हाथियों से जुड़े कुछ रहस्य जिसे आप शायद ही जानते होंगे। आज हम हाथियों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर ही नहीं, सबसे बड़ा ताकतवर जानवर भी माना जाता है। हाथी का दिमाग जानवरों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन हाथी इसका इस्तेमाल करने में कंजूसी करते हैं, वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह। हाथियों का जीवन काल 80 वर्ष तक होता है, यानी कि हाथी धरती पर 80 वर्ष के आसपास तक जीवित रहते हैं। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हाथी खड़े खड़े सो जाता है और दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सोता है, और बाकी घंटे क्या करता है, ये बाकी समय खाना खाने में ही बिता देता है। हाथी पानी की गंध को 5 किलोमीटर दूर से महसूस कर सकते हैं। हाथी एक दिन में 80 गैलन यानी कि 302 लीटर पानी पी जाता है। हाथी जानवरों में एकमात्र ऐसा जानवर है जो हर रोज स्नान करता है और अपने शरीर को स्वच्छ भी रखता है। हाथी कभी भी अकेले खाना नहीं खाता, पहले आसपास खाने को गिराता है, उसके बाद ही वो खाना खाता है। हाथी झुंड में रहना पसंद करता है, ये हाथी कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। यदि झुंड के किसी हाथी की मौत हो जाती है तो बाकी हाथी जोर से शोर मचाकर शोक भी मनाते हैं। हाथी कभी भी अपने साथी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाता है, इसलिए हाथी को सच्चा मित्र भी कहा जाता है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इनका गर्भकाल 22 महीने का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाथी के दांत 60 साल तक नए आते हैं, उसके बाद नए दांत आना बंद हो जाते हैं। इसी कारण ज़्यादातर हाथी भूख की वजह से यमलोक चले जाते हैं। हाथी एक दिन में 160 किलो तक खाना खा जाता है। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हाथी को 150 मील की दूरी से ही बारिश का पता चल जाता है। क्या आप सबसे बड़ी हाथी के बारे में जानते हैं? सबसे बड़े हाथी का वजन रिकॉर्ड 1886 केजी और हाइट 13 फीट है। एक नर हाथी का वजन लगभग 7000 किलो के आसपास होता है, तो और वहीं एक मादा हाथी का वजन 5000 किलो के आसपास होता है। एशियाई हाथियों की तुलना में अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथी अफ्रीकन हाथी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी होते हैं। हाथियों के कुछ और रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हाथी की चमड़ी 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। हाथी अपनी सूंड में लगभग 8 लीटर पानी भर सकता है। हाथी के सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती, बल्कि इसकी सूंड में 40-60 से ज्यादा मांसपेशियां होती है। हाथी एक अच्छे तैराक भी होते हैं, वो तैरते समय अपनी सूंड का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं। बाहर की तरफ दिखाई देने वाले हाथी के 2 दांत किस काम आते हैं, ये तो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाहर की तरफ दिखाई देने वाले हाथी के दोनों दांत पेड़ों की छालों को उतारने, जड़ों को खोदने या फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए काम करते हैं। हाथी की याददाश्त को दुनिया की सबसे तेज याददाश्त माना जाता है। एक हाथी वर्षों पहले अपने साथी के साथ बिताए गए हर पल को याद कर सकता है, इतना ही नहीं वो उसे बता भी सकता है। जन्म के समय हाथी को यह पता नहीं होता कि उसकी सूंड किस उपयोग में काम करना है, इसलिए हाथी को सोने और पानी पीने में काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। एक हाथी दुनिया का सबसे ज्यादा इमोशनल जानवर भी माना जाता है, क्योंकि जब उसके साथी की मौत हो जाती है तो वह खाना पीना छोड़ देता है। एक हाथी को झुंड में रहने की आदत है, हाथी कभी अकेला नहीं रहता। हाथी को कमजोरी और बीमारी कभी कभार ही होती है, या फिर बोले तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनका सिस्टम काफी मजबूत होता है। एक हाथी दिन में करीब 4 घंटे सो जाता है। हाथियों को आपस में झगड़ते हुए बहुत ही कम देखा होगा, क्योंकि आपस में प्यार से रहना पसंद करते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता। हाथियों को चीजों को देखकर नकल करने की क्षमता काफी तेज होती है, यही वजह है कि हाथियों का उपयोग सर्कस में भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो चीजों को देखकर आसानी से सीख सकते हैं और उसकी नकल भी कर सकते हैं।
एक हाथी की आंखों की रोशनी काफी कम मानी जाती है, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि तेज रोशनी में हाथी को कम दिखाई देता है, वहीं कम रोशनी में हाथी को ज्यादा दिखाई देता है। मतलब कि दिन की अपेक्षा हाथी को रात को अच्छा दिखाई देता है। 31% मामले ऐसे होते हैं कि हाथी के बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। एक नवजात हाथी का बच्चा 83 सेंटीमीटर लंबा और 112 किलोग्राम तक वजनी होता है। हाथी के शरीर का सबसे कोमल हिस्सा उसके कानों के पीछे का हिस्सा होता है। हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील होती है कि वह परस्पर गिरे हुए एक छोटे से सिक्को को भी उठा सकता है। हाथी के झुंड का नेतृत्व सबसे बड़ा नर हाथी या फिर मादा हाथी करती है। एक हाथी जब 12 से 15 साल का हो जाता है तब वह अपने झुंड को छोड़ देता है और खुद का अपना एक अलग झुंड बना लेता है। एक हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। इतने बड़े विशाल काय जानवर हाथी के दिमाग का वजन भी 5 केजी होता है। हाथी एक दूसरे की चिंगाड़ 8 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। जब भी कोई हाथी मुसीबत में फंसता है तो वह चिंगाड़ना शुरू कर देता है ताकि उनकी आवाज सुनकर उनके साथी उनको मुसीबत से बचा सके। अक्सर आराम के लिए एक हाथी का बच्चा अपनी सूंड को चूसता है, जिस तरह इंसान का बच्चा अंगूठा चूसता है। शेर भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन वो हाथी और गेंडे से कभी भी लड़ना नहीं चाहेगा। हाथियों के कान इतने बड़े होने के बावजूद भी उनके सुनने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। आपने अगर गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि भारतीय हाथियों की तुलना में अफ्रीकन हाथियों के कान बड़े होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे इंसान अपना चेहरा शीशे में देखकर सब कुछ जानता है, वैसे हाथी भी अपने आप को शीशे में देखकर पहचान सकते हैं। हाथी अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अधिकांश हाथियों को शेरों पर हमला करते हुए भी देखा गया है। इनको संगीत की भी समझ होती है। इन्हें अक्सर संगीत में पैरों को हिलाते हुए देखा गया है। हैरान करने वाली बात तो यह कि हाथियों को डर किसी जंगल के राजा शेर से नहीं बल्कि मधुमक्खियों से लगता है। हाथी उन इलाकों से दूर रहते हैं जहां मधुमक्खियां रहती है। तेज धूप से बचने के लिए हाथी अपनी सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं। एक हाथी की सूंड की लंबाई 7 फीट तक हो सकती है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहेगी।